डियर स्टूडेंट, टुडे आई एम डिस्कसिंग अबाउट प्लांट टिश्यू। देन हमने जो पहले वाला वीडियो था उसमें प्लांट टिश्यू के बारे में ओवरऑल देख लिया था। आज हम आपको स्लाइड की और जो डायग्राम है और अन्य जो भी डिफरेंस है, प्लांट टिश्यू है उसके जो टाइप है उनमें जो डिफरेंस है उनके अकॉर्डिंग आपको हम क्लियरली और डायग्राम यहाँ पर रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो इससे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है, और अगर आपने वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके पहले वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड होता रहे, आपको कोई प्रॉब्लम या फिर एनी क्वेरी का सामना नहीं करना पड़े। देन हम स्टार्ट करते हैं हमारी जो ये क्लास 9th ही है हमारी जिसमें हम प्लांट टिश्यू पढ़ रहे थे। इससे पहले हम 8 क्लास पढ़ चुके हैं और आपने देख भी लिया होगा कि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हमने करवाए हैं वहाँ पे और कॉन्सेप्ट बेस्ड आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर करवाते हुए हम आगे बढ़े हैं। तो अब बात करते हैं हम प्लांट टिश्यू में। प्लांट टिश्यू के मैंने टाइप बता दिए थे पहले वाले जो वीडियो में, मेरिस्मेटिक टिश्यू होता है, एक परमानेंट टिश्यू होता है और इसके ये सब टाइप है। मैं आपको जो डायग्राम है प्लांट का वो दिखाने वाली हूँ और उसके अलावा उसके जो पार्ट है, कौन कौन से टिश्यू हैं उनके बारे में बताने वाली हूँ। दिस डायग्राम इज प्लांट, ओके। देन इट इज ए पार्ट, ए रूट, स्टेम एंड लीव्स एंड फ्लावर्स। देन ये जो प्लांट है उसकी सेक्शन हम कटिंग करते हैं तो रूट हमें ऐसी डिनोट होती हैं जब माइक्रोस्कोपी और माइक्रोस्कोप की जो हेल्प से हम उसका एनालिसिस करते हैं, उसकी प्लांट की स्टडी करते हैं तो हमें ये ऐसे रिप्रेजेंट होते हैं। और बिल्कुल हमें स्लाइड में अगर सेक्शन थिन है और उसे हमने थिन कटिंग करी है उसकी और प्रॉपर फॉलो रूल करके हमने इसका माइक्रोस्कोपी से देखे हैं तो हमें ऐसे ही वो नज़र आते हैं। रूट हमें ऐसी रिप्रेजेंट होती है, स्टेम हमें ऐसे दिखता है और जो लीव्स वगैरह हैं उनकी जो सेक्शन कटिंग वो हमें ऐसी दिखती है। उनमें ये टिश्यू होते हैं कुछ, इनमें जाइलम, फ्लोएम, पेरेन्काइमा, पिच वगैरह ये सब जो हमारा प्लांट है उसकी सेक्शन कटिंग करते हैं तो हमें ये मिलती है। तो हमको इनको ज़्यादा याद नहीं रखना, बस यही देखना कि कैसा होता है ये टिश्यू। ये जो टिश्यू है ये कटिंग वगैरह ये हमें बीएससी एमएससी में करवाई जाती है। यहाँ पे जो कंपटीशन एग्जाम है इनका कोई रोल नहीं है लेकिन इनका फंक्शन पूछ लिया जाता है। जैसे पेरेन्काइमा, व्हाट इज फंक्शन ऑफ पेरेन्काइमा, व्हाट इज फंक्शन ऑफ पिच, व्हाट इज फंक्शन ऑफ स्क्लेरोकाइमा, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है उनके बारे में पूछ लिया जाता है अक्सर। दिस इज टाइप ऑफ प्लांट्स, ठीक है। दिस इज पेरेन्काइम टिश्यू, दिस इज कोलेन्काइम टिश्यू एंड थर्ड इज स्क्लेरोकाइम टिश्यू। जो पेरेन्काइम टिश्यू है उसका एग्जाम्पल यहाँ पे पोटैटो है और देन कोलेनकाइमा का एग्जांपल यहाँ कुलेरी है और ये है हमारा सीलियरी है और ये हमारा पी है, ठीक है। इसका जो सेक्शन क्रॉस सेक्शन है ये जो 3 डायग्राम यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहे हैं ये जो हमें दिख रहा है एग्जांपल पोटैटो के ही क्या है सेक्शन है, उसमें जो हमारे वेस्कुलर बंडल वगैरह, हमारे सेल वॉल कैसी दिखेगी, ये सब क्या है यहाँ पे जो माइक्रोस्कोप में जैसा दिखता है प्लांट उसका यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन किया गया है। तो हम नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारी अगली स्लाइड की तरफ। डियर स्टूडेंट, अगर आपको ये बिल्कुल समझ में आ रहा है तो आप थम्स अप जरूर कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको क्या समझ में नहीं आ रहा, क्या आ रहा है, जिससे हमें भी पता चले कि आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। और आई सजेस्ट यू, वैकेंसी आ रही हैं अभी, ज़्यादा टाइम हमारे पास रहा नहीं है। आप अगर बुक से लेके पढ़ोगे NCERT 6, 7, 8, 9, 10 तो ये जो प्रोसेस होती है 2-3 साल पहले की होती है जब हमारे पास कुछ नहीं होता, एग्जाम हमारे पास में नहीं आई हुई होती है और अभी हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, एग्जाम हमारे नियर ही है क्योंकि कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है। और ये मुझे लग रहा है, आई सजेस्ट यू कि जो हमारा नोटिफिकेशन है वो मार्च में आ जाएगा और उसके बाद में हमें 3 या 4 मंथ का टाइम दिया जाएगा और हमारे एग्जाम जल्दी करवा दी जाएगी। जैसे हम देखते हैं रीट की होने वाली है अभी जुलाई में दे दिया है तो इसी प्रकार इसी के 1-2 आगे या पीछे, 1 मंथ आगे या पीछे हमारे एग्जाम होने वाली है। तो बी फोकस, आप फोकस रहिए और इनको लर्न करते रहिए। ये जो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम का सामना यहाँ पे नहीं करना पड़ेगा। और ये जो मैं डिटेल कोर्स लेके आई हूँ इसमें आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे। पहले हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे उसके बाद में एक से एक हम क्वेश्चन भी करेंगे। तो क्वेश्चन की भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा, आपको पढ़ने से ही कुछ फ़ायदा होने वाला है।
और जो क्वेश्चन है हम ये जो हमारा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में हम क्वेश्चन भी करेंगे, और हम बेसिक से लेके चल रहे हैं। हमारा जो एग्ज़ाम का हमें टाइम दे रखा, हमारे को जो सिलेबस दे रखा है, बिल्कुल हम उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। सिलेबस टू सिलेबस यहाँ पे हम जा रहे हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सिलेबस तो आपने डाउनलोड कर लिया होगा, और आप इन वीडियो पे ज़रूर बने रहिए, क्योंकि है ना, लगातार वीडियो देखने से आपका आधा घंटा, आप इससे 24 घंटे में आप आधा घंटा या फिर 1 घंटा तो इसको प्रोवाइड कर ही सकते हो, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और मैं आपको ज़्यादा थ्योरी भी नहीं समझा रही हूँ, मैं फ्लो चार्ट यहाँ पे लेके आ रही हूँ, कलरफुल स्लाइड ला रही हूँ, उसके अलावा फ्लोरिंग की जो डायग्राम है वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ, जिससे आपको क्लियर कट पता चल सके और आपको डिफरेंस पता चल सके। दो ग्रुप ऑफ टिश्यू, मैंने एनिमल टिश्यू भी आपको कितने अच्छे से करवा रखा है। तो प्लीज़ आप ये जो हमारे टिश्यू वगैरह हैं, जैसे हम एनिमल में टिश्यू होते हैं वैसे ही प्लांट में टिश्यू है, तो आपको जैसे इंटरेस्ट एनिमल टिश्यू पढ़ने में आया वैसे ही आप प्लांट टिश्यू में भी इंटरेस्ट अपना बनाइए धीरे धीरे, क्योंकि एक बार में इंटरेस्ट बनने में टाइम लगता है, एक बार में कुछ नहीं होता। इसलिए आपको क्या करना, धीरे धीरे ही अपना इंटरेस्ट डेवलप करना और वहाँ से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। आप इन वीडियो को तो ज़रूर देखना, उसके अलावा आप कहीं से पढ़ना चाहो तो उन वीडियो के साथ जाइए आप, जहाँ से आपका मन करता है वहीं से आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, और वहीं से आपकी क्या होगी, प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी और आपको कहीं पे दिक्कत या प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो हम चलते हैं हमारे जो स्लाइड पे, इसमें भी हमने डिफरेंस बता रखे हैं पेरेन्काइम कोलेन्काइम स्केलेन्काइम में। करेक्टर है तो ये जो पेरेन्काइम है वो स्फेरिकल शेप का होता है, इसकी जो वॉल है वो थिन वॉल होती है, लिविंग मेटाबोलाइजिंग टिश्यू इसमें प्रजेंट होते हैं। इसके लोकेशन की बात करें तो ये थ्रू आउट द प्लांट होता है, फंक्शन की बात करें तो फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन में अपना रोल निभा रहा है, उसके अलावा स्टोरेज का भी इसका फंक्शन और रिजिनेशन करता है, और ये ऐसे हमें रिप्रेजेंट होता है, अपीरियंस इसकी ऐसी दिखती है हमें जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं इसे। तो हमें पेरेन्काइमा है वो समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कोलेन्काइमा की तरफ। कोलेन्काइमा का जो करेक्टर है वो एलोंगेटेड सेल विद इन थिकनेस सेल वॉल अलाइव एट मेच्योरिटी। इसके लोकेशन की बात करते हैं तो लोकेशन में बीनीथ द एपिडर्मिस इन यंग स्टेम एंड इन लीफ। फंक्शन की बात करते हैं तो फ्लेक्जिबल सपोर्ट और सिस्टम इसमें प्रेजेंट होता है। देन नेक्स्ट बात कर लेते हैं, थर्ड नंबर पे हमारे स्केलेन्काइमा आता है। इसका करेक्टर है विद प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल वॉल, सेकेंड इज डेड एट फंक्शनल मेच्योरिटी। हम लोकेशन की बात करते हैं तो लोकेशन है वो इसके फाइबर इन वुड बार्क लीव स्टेम, वहाँ पे ये प्रेजेंट होगा। उसके अलावा ये क्या करेगा, फ्रूट और सीड में भी प्रेजेंट होगा। इसका फंक्शन है सपोर्ट करना, और ये जो डायग्राम है वो इसी स्केलेन्काइमा का एक यहाँ पे प्रेजेंट होता है, और ऐसा हमें अपेरेंस होता है। तो हमने पेरेन्काइमा कोलेन्काइमा स्केलेन्काइमा में डिफरेंस देख, दिस इज न्यू स्लाइड जिसमें मेरिस्मेटिक स्केलेन्काइमा कोलेन्काइमा और ये जो पेरेन्काइमा है उनके डायग्राम यहाँ पे अपेरेंस किए गए। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था उसमें था कि जो एनिमल और उसके टिश्यू के बारे में, उनकी प्रॉपर्टी फंक्शन के बारे में, ये सब हमने पढ़ लिया, ठीक है। उसके बाद में हमारी एनाटोमी आ जाती है प्लांट टिश्यू में, जो इम्पोर्टेंट हो जाती है। उसमें एनाटोमी ऑफ रूट आएगी, एनाटोमी ऑफ स्टेम एंड एनाटोमी ऑफ लीव्स, ये 3 एनाटोमी है वो हमारे प्लांट में दे रखी हैं। तो हम वन बाई वन करके आगे बढ़ेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं एनाटोमी ऑफ रूट। तो एनाटोमी ऑफ रूट में क्या होता है, जी दो प्रकार के हमारे प्लांट मिलते हैं हमको, जिसमें वन इज मोनोकाइट और सेकेंड इज डाइकोट, ठीक है, मोनोकोट्स और डाइकोट्स। ये जो डायग्राम है किसका है, मोनोकोट का डायग्राम है, ठीक है। इसमें क्या दे रखा है, यूनिसेलुलर रूट हेयर है, यहाँ पे क्या है, ये एफिलेमा है, और इतना पार्ट इसका कोर्टेक्स होगा, ये रीजन है, इसको याद रखना आपको। ये फिलोएम होते हैं, ब्लैक ब्लैक दे रखा है, और जो ये 3 के ग्रुप में वो कैस्पेरियन स्ट्रिप होती है, जिससे प्लांट में पानी, यहाँ पे जाइलम फ्लोएम यहाँ पे प्रेजेंट होता है, मेटा जाइलम है, पिथ है इसके नीचे होगी, उसके अलावा ये एंडोडर्मिस होगा, और एक प्रोटो जाइलम है, और एक है पेरिसाइकल। ओके, इससे पहले वाली जो स्लाइड थी उसमें हमने मोनोकोट जो रूट है उसका डायग्राम देखा था। अब हम कंपेरिजन करेंगे जो मोनोकोट रूट है वो कैसी हमें रिप्रेजेंट होती है, जो डाइकोट रूट है उसमें क्या क्या फंक्शन अलग है और क्या क्या वो रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम रूट हेयर की बात कर लेते हैं, ठीक है, दोनों पे रिप्रेजेंट हो गए। फिर एपिडर्मिस होती है, इसके नीचे वाली जो लेयर होती है,
उसके बीच का जो पार्ट बचता है वो कॉर्टेक्स है। ये जो डायग्राम आपने यहाँ पे देखा, ये आपने जो हमारी ग्रेजुएशन हुई है उसमें हमने बॉटनी पढ़ी थी, तो उसमें हमने खूब ये डायग्राम ड्रॉ किए हैं। ठीक है, जब हम प्रैक्टिकल करते थे तो ये डायग्राम हमें ड्रॉ करने होते थे और प्रैक्टिकल की जो फाइल है उसमें सबमिट भी होते थे। तो ये तो इतना तो आपको याद होगा क्योंकि क्योंकि ग्रेजुएशन के आपको थोड़े दिन हुए होंगे, इसलिए। ये हमारी एंडोडर्मिस है, फिर इसके नीचे पेरिसाइकल होगा और प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम, पिथ वगैरह और फ्लोएम, फ्लोएम नीचे नीचे होगा। अब हम मोनोकोट रूट की बात कर लेते हैं, जिसमें रूट हेयर ऊपरी ऊपर होता है और जो इसकी नीचे वाली लेयर होती है उसमें एपिडर्मिस प्रेजेंट होता है। बीच का जो पार्ट बच जाता है उसको हम कॉर्टेक्स बोलते हैं, और उसके बाद में जो ये लेयर है बाहर वाली इसको एंडोडर्मिस बोलते हैं, और इसका जो साइकिल है ये पेरिसाइकल होगा और बीच बीच में फ्लोएम प्रेजेंट होंगे और प्रोटोजाइलम होगा यहाँ पे पहले, उसके बाद में पिथ, फिर मेटाजाइलम आएगा। ओके, ये डिफरेंस है मोनोकोट और डाइकोट की रूट में। अदर डायग्राम इज डाइकोट रूट, इसमें भी यही रिप्रेजेंट किया हुआ है कि यहाँ पे रूट हेयर है, कहाँ पे एपिडर्मिस है, बीच वाला पोर्शन हमारा कॉर्टेक्स रह जाता है, ये बाहर वाली एपिडर्मिस होगी और ये साइकिल है ये पेरिसाइकिल होगा, उसके पहले प्रोटोजाइलम आएगा और फिर मेटाजाइलम आएगा, बीच में पिथ होगी और फ्लोएम होगा। ये डाइकोट में बता रखा है, जो डाइकोट रूट होती है उसकी यहाँ पे बात की गई है। अब हमने इससे पहले जैसे ही एग्जाम्पल थ्रू रूट की बात की है, एनाटोमी ऑफ रूट, वैसे ही स्टेम की अब स्टडी करने वाले हैं कि जो स्टेम है वो मोनोकोट में कैसा दिखता है और डाइकोट में स्टेम कैसा होता है। ठीक है, हम ये डिफरेंशियल स्टडी कर रहे हैं दोनों का साथ लेके, क्योंकि जो हम साथ कंपैरिजन में स्टडी करते हैं तो वो कभी भूलते नहीं हैं। ठीक है, तो ऊपर ऊपर इसके क्या होगी, ऊपर वाली जो लेयर होती है अबव लेयर वो क्या होती है, एपिडर्मिस, उसके नीचे कोलेनकाइमा है और ये जो बंडल आपको दिख रहे हैं ये वेस्कुलर बंडल है, उसके नीचे ग्राउंड टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, उसके बाद में प्रोटोफ्लोएम होगा, मेटाफ्लोएम होगा, मेटाजाइलम होगा, देन नेक्स्ट प्रोटोजाइलम आ जाएगा हमारा, फिर प्रोटोजाइलम ल्यूसेनिया आ गया और फिर स्केलेन साइकोमेटस आ गया, फिर बंडल स्टेम आ गई, ये हमारा मोनोकोट स्टेम हो गया पूरा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम डाइकोट स्टेम की, इसकी जो अबाव लेयर है वो एपिडर्मिस की बनी हुई होती है, उसके बाद में कोलेनकाइमा, क्लोरोमकाइमा, फिर रेजिन डस्ट, पेरेनकाइमा और ये जो स्टार्च के सीटे वगैरह होंगे इसमें बंडल केप प्रजेंट होगी, ये जो फंक्शन इसमें नहीं है यहाँ पे बता रखा है, प्राइमरी फ्लोएम यहाँ पे प्रजेंट होगा और कैम्बियम प्रजेंट होगा, इसमें नहीं था कैम्बियम, प्रोटोजाइलम प्रजेंट है, पिथ तो उसमें भी थी तो यहाँ पे प्रजेंट है, और प्राइमरी वेंट्रिकुलरी जो रेज है वह सब डाइकोट स्टेम में प्रजेंट होते हैं। हमने एनाटोमी ऑफ रूट देख लिया, स्टेम देख लिया, अब लीव्स की भी बात कर लेते हैं, मोनोकोट डाइकोट की लीव्स कैसे होती हैं। ये पार्ट है, ये वेंस होता है हमारा और वेनिकल्स होते हैं, ये मिड रिब है वो बीच में प्रेजेंट होगी। ठीक है, जो हमको प्रोटेक्शन करवाती है, जो हमारी लीफ ऐसे खड़ी रहती है उसको प्रोटेक्शन करवाने का काम इसका होता है। ये जो लीफ है वो डाइकोट लीफ है और ये जो लीफ है ये मोनोकोट लीफ है। इसका करैक्टर है कि रेटिकुलर और स्ट्राइक वेनेशन होता है, ठीक है, स्ट्राइक वेनेशन होता है इसका और इसका पैरेलल वेनेशन होता है। ओके, इतनी बात आई समझ में। दिस स्लाइड शो डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर एंड प्लांट। ओके, दिस इज रोज, यू नो अबाउट रोज, या क्योंकि ये तो हमारे आसपास बहुत होता है और हमने इसको देखा भी है। दिस इज वीट प्लांट, यू नो, या क्योंकि इसको भी हमने बहुत बार देखा है, रियलाइज किया है, वाटर लिली है, ये हमारा कौन है, आयरिस है, कमास, थेलियम, सनफ्लावर, दिस इज सो ब्यूटीफुल फ्लावर, और ये सब हमारे क्या हैं, ये फ्लावर के टाइप हैं। ये डायग्राम भी मैं लेके आई हूँ यहाँ पे, जो आपको डिफरेंस कर सके कौन सा फ्लोर है और कैसा वो रिप्रेजेंट होता है, कैसी उसकी अपीरेंस। दिस डायग्राम सो मोनोकोट लीफ। ओके, ये डायग्राम है वो ग्रासेस हैं जो स्मॉल फैमिली ऑफ प्लांट हैं उनका, यहाँ पे स्टेम का डायग्राम, इनकी जो लीव्स वगैरह होती है ना मोनोकोट की लीव, उनका यहाँ पे डायग्राम, इनकी जब हम सेक्शन कटिंग करते हैं मोनोकोट की तब वो ऐसा रिप्रेजेंट होता है, अपीरेंस उसकी ऐसी हो जाती है। जो हमारे अबव लेयर है उसको हम क्यूटिकल बोलेंगे, उसके नीचे अपर एपिडर्मिस प्रेजेंट होता, देन सब स्टोमल चेम्बर प्रेजेंट होगा और मेसोफिल सेल होंगे, फिर बंडल सेक होगा, उसमें जाइलम फ्लोएम दोनों प्रेजेंट होंगे और ये क्या लोअर एपिडर्मिस है और बीच में इनके स्टोमा होंगे। ये मोनोकोट लीफ का डायग्राम है जो आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट और बिल्कुल क्लियर अपीरेंस हो रहा होगा, तो आपको ये समझ में भी आ रहा होगा कि जाइलम यहाँ कहाँ प्रेजेंट है और ये फ्लोएम हमारा फूड का ट्रांसपोर्ट करते हैं, जाइलम है वाटर का ट्रांसपोर्ट करते हैं, बंडल सेल है वो हमें
क्या करवाती है, जो फोटोसिंथेसिस है उससे बचाती है, मेजोफिल्स हैं वो जो लीफ है उसके बीच बीच में प्रेजेंट होते हैं। यानी सारे प्रोसेस हमने देख लिए और अच्छे से समझ भी लिए। अब आपको इसे भी समझना है, ये है डाइकोट लीफ सनफ्लावर। यहाँ पे हमने लिख भी रखा कि डाइकोट लीफ है वो कैसी दिखती है। जो फर्स्ट लेयर है इसकी वो क्यूटिकल से बनी हुई होती है, मेड अप ऑफ क्यूटिकल, अपर एपिडर्मिस, देन यहाँ पे पेरेन्काइमा की वो प्लेसिड यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, उसके बाद में प्रोटोजाइलम आता, मेटाजाइलम, स्पंजी पेरेन्काइमा होता, फिर फिलोएम आता, बंडल सेक आते हैं, स्ट्रोमा आता है, एपिडर्मल के हेयर प्रेजेंट होंगे, लोअर एपिडर्मिस होगा, और इसमें जो ये कैविटी प्रेजेंट होती है मेन फंक्शन है इनका, रेस्पिरेटरी कैविटी प्रेजेंट होती है। तो हमने डाइकोट जो हमारी लीव है उसकी भी बात कर ली है जो सनफ्लोर में प्रेजेंट होती है। ये एग्जाम्पल है डाइकोट लीव का सनफ्लोर। ये जो स्लाइड है वो रिप्रेजेंट कर रही है डाइकोट जो स्टेम है और मोनोकोट स्टेम है वो कैसे डिफरेंस है एक दूसरे से। तो इनमें एक डिफरेंस आपको याद रखना है, और ये एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है कि मोनोकोट स्टेम और डाइकोट स्टेम में क्या डिफरेंस है। तो मोनोकोट जो स्टेम होता है उसमें जो वेस्टिकुलर बंडल होते हैं वो आपस में क्या है, बिखरे हुए रहते हैं, ठीक है, उनमें कोई अरेंजमेंट नहीं होता। जबकि डाइकोट जो स्टेम है उसमें जो वेस्टिकुलर बंडल है वो एक दूसरे के सामने क्या है, अरेंज है, ठीक है, अरेंज फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं वेस्कुलर बंडल। इसमें जाइलम है और ये नीचे वाला फ्लोएम होगा, ठीक है, ये इसमें ग्राउंड टिश्यू है उसके बीच में ऐसे ही बिखरे रहते हैं, उसी की वजह से ये सब हो जाएगा। एंड नेक्स्ट जो डायग्राम हमारा वो भी यही दिखा रहा है कि जो रेडियल फॉर्म या फिर हम वेस्कुलर बंडल को अरेंज फॉर्म में दिखा रखा है यहाँ पे, और ये डाइकोट प्लांट में हो रहा है और ये क्या है, मोनोकोट प्लांट में हो रहा है, ठीक है। तो इतनी बात आपको आई समझ में। और ये सेक्शन कौन सा, लॉन्गिट्यूडिनल जो सेक्शन है उसकी कटिंग है, उसमें हमें जो डाइकोट मोनोकोट में डिफरेंस इस प्रकार से दिखता है, क्योंकि मोनोकोट में जो ये हैं वेस्कुलर बंडल ये बिखरे हुए हैं, उनके वो शेप नहीं है, कोई अरेंजमेंट नहीं है। जबकि हम डाइकोट की बात करें तो डाइकोट में क्या अरेंजमेंट हमें साफ साफ नज़र आ रहा है, तो इसी की बेस पे हम दोनों में डिफरेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, हमने मोर्फो एनाटोमी देख लिए, रूट स्टेम और ये फ्लोवर मोनोकोट डाइकोट सभी की है ना। अब हम इनफ्लोरेसेंस फ्लोवर और फ्रूट का देख लेते हैं, ठीक है। तो ग्रेप्स में ये जो हमारा फ्रूट है ग्रेप्स, उसमें इनफ्लोरेसेंस है, इसी की वजह से यहाँ पे बहुत सारे क्या गुच्छे नुमा संरचना बनती है, यहाँ पे कलेक्ट हो गए वो गुच्छे नुमा संरचना बना लेते हैं। ये इस तरह की जो स्ट्रक्चर हमें क्रो प्लांट में देखने को मिलती है, ये भी इनफ्लोरेसेंस ही हो रहा है प्लांट के अंदर। तो जब इनफ्लोरेसेंस होगा तो हमें ऐसा दिखेगा। ये जो डायग्राम है ये हमें ग्रेवाइन में इनफ्लोरेसेंस रिप्रेजेंट करवा रहा है। ग्रेवाइन में जो इनफ्लोरेसेंस है वो इसी तरह की होती है। हम बात करते हैं ग्रेप्स में जो इनफ्लोरेसेंस है वो इसी तरह की होती है, उसमें बहुत सारे ब्रांचेस निकलती हैं, एक ब्रांच से कोई 5-6 ब्रांचें निकल जाती हैं, जिससे हमें क्या दिखता है कि ये तो ब्रांच ही हो रखी है पूरी, ये एक ब्रांच है ये, उससे 5-6 निकल रही है, यहाँ पे 5-6 ग्रुप में निकलती है, ठीक है। तो जो ग्रेप्स हमारा उसमें इनफ्लोरेसेंस यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया। अब हम बात कर लेते हैं हमारे जो वाइन सूट है उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है। ये जो हमारी लीफ होगी, ठीक है, ये बीच में लीफ के इंटरनोड प्रेजेंट होता है और ये नोड होता है, ठीक है, और यहाँ पे पेटियोल और बड, जब प्लांट में जब फ्लोरा डेवलप नहीं हुआ है, बिल्कुल स्मॉल फ्लोर है, तो उसे बड बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि फ्लोर अभी निकला नहीं है, ये टेंड्रिल है। ये सब कब होता है, जब स्ट्रेस कंडीशन आती है प्लांट के लिए, तब तो वो उसमें कुछ हार्मोन रिलीज होते हैं और उनका जो फंक्शन है वो चेंज हो जाता है, और उनके जो स्टेम वगैरह लीफ वगैरह वो अनदर जो फंक्शन होते हैं वो करने लग जाते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ इनफ्लोरेसेंस हो रहा है और रेशे में वेयर द फ्लोर आर, तो यहाँ पे क्या होगा, फिर इनफ्लोरेसेंस हो गया, इस पार्ट में इनफ्लोरेसेंस हुआ। अब फ्रूट में भी इनफ्लोरेसेंस देख लेते हैं, जो हमारा पाइनएप्पल है उसमें इनफ्लोरेसेंस कैसा दिखता है, ठीक है। तो ये पाइनएप्पल की ऑक्सिलरी फ्रूट है, ये तो बेरीज का है और ये पाइनएप्पल का है, तो इसमें जो इनफ्लोरेसेंस देखने को मिलेगी तो इस प्रकार से देखने को मिलेगी। ये कंडीशन जब भी आता है, जब प्लांट है वो या तो डिहाइड्रेशन कंडीशन में हो या वाटर उसमें स्ट्रेस हो जाए, उसमें हार्मोन रिलीज होते हैं, हार्मोन की वजह से वो अपने फंक्शन में अपनी प्रॉपर्टी में चेंज कर लेता है। टुडे आई एम डिस्कसिंग अबाउट कि प्लांट है वो क्या क्या उसमें चेंज होते हैं और कैसे वो इन्फ्लोरेसेंस कर लेता है, कैसे वो एडवर्स जो कंडीशन आती है उसमें भी वो ऐसे कैसे बना रहता है और अडेप्टेशन वो कर लेता है अपने अंदर,
तो उसके जो मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल करेक्टर है वो चेंज हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे ओ टू सी ओ टू लाइट लिमिटेड फोटोसिंथेसिस फर्दर, ये फिजियोलॉजिकल फैक्टर है, ओ टू वगैरह ये भी इसको इफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, एनर्जी मेटाबॉलिज्म, हाईली एनर्जी, कोई एनर्जी अगर इंक्रीज हो रही है तब भी ये कंडीशन हो सकती है। ये मॉर्फोलॉजिकल अगर करेक्टर उसके चेंज हो रहे हैं तो उनका रीजन है यहाँ पे क्यों हो रहा। ये हमारा क्या प्लांट है और यहाँ पे वाटर स्ट्रेस कंडीशन बन रही है, ये कहाँ पे, ये सारा जो डिजर्ट वगैरह होता है ना वहाँ पे जो पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है वहाँ पे ये सब प्लांट है। उसमें कुछ लिपिड, प्रोटीन या हार्मोन या मिनरल ये कुछ रिलीज होता है, सिग्नलिंग, मॉर्फोलॉजिकल एनाटोमी में चेंज हुआ, फोटोसिंथेसिस, फिर प्रोटीन में चेंज हुआ, उनके उनके मिनरल जो अपटेक कर रहे हैं उनमें चेंज हुआ, लिपिड में चेंज हुआ, उनकी पूरी स्ट्रक्चर ROS में चेंज हो गया, प्लांट की पूरी स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाएगी अगर उनको वाटर का लॉस हो रहा है या फिर वाटर की वहाँ पे एरिया में वाटर की कमी हो रही है। तो दिस इज कोलेनकाइमा एंड स्कलेनकाइमा, दोनों में क्या है डिफरेंस है, इनकी डेफिनेशन क्या। कोलेनकाइमा सेल आर टाइप ऑफ ग्राउंड टिश्यू दैट हैव इरेगुलरली थिकन प्राइमरी सेल वॉल। सेकेंड, स्कलेनकाइमा सेल आर ए टाइप ऑफ ग्राउंड टिश्यू दैट हैव हैवीली थिक सेकेंडरी सेल वॉल। डेड और लिव, लिविंग सेल्स कोल्ड कोलेनकाइमा, स्कलेनकाइमा डेड सेल। ST से इसे याद रख सकते हो, उसे CL से याद रख सकते हो। एट मेच्योरिटी की बात करें तो अलाइव एट ए मेच्योरिटी, और जो स्कलेनकाइमा है वो डेड एट मेच्योरिटी। फंक्शन की बात कर लेते हैं अब हम फंक्शन की बात करते हैं। जो हमारे स्केलेनकाइमा है उसका फंक्शन है प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट एंड इलास्टिसिटी टू प्लांट ऑर्गन। इसमें होता है प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट एंड रिजिडिटी टू द प्लांट। ओके, इसकी सेल वॉल की बात करें तो हैव इरेगुलर थिकन प्राइमरी सेल वॉल, और इसमें क्या होगी सेकेंडरी सेल वॉल होगी। कंस्टिट्यूशन की बात करें तो इसमें सेलुलोज और पेक्टिन होगा, ये आपको याद रखना, ये इन्फॉर्मेशन ये स्लाइड है इसमें ये तो आपको टिक कर लेना है, यहाँ पे याद रखना कि सेल वॉल कंस्टिट्यूशन में आएगा सेलुलोज एंड पेक्टिन, और इसमें होगा सेलुलोज, हेमी सेलुलोज एंड लिग्निन, क्योंकि मैच द फॉलोइंग में पूछ लिया जाता है कभी कभार। साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस की बात करें तो हैव ए साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, इसमें होगा डू नॉट हैव ए साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। अब बात करते हैं क्लोरोफाइल्स, इसमें क्लोरोफाइल्स प्रेजेंट होते हैं और इसमें क्लोरोफाइल एब्सेंट होते हैं, ये डू नॉट हैव क्लोरोफाइल्स। तो ये हमने बेसिक डिफरेंस देख लिया स्कलेनकाइमा और कोलेनकाइमा के बीच में। एक और स्लाइड है जिसमें टाइप ऑफ टिश्यू बता रखा है, उसमें सेल वॉल स्ट्रेंथ और साइटोप्लाज्म का डिटेल यहाँ पे डिस्कशन दिया हुआ है। जिसमें पेरेनकाइमा की बात करें तो जो पेरेनकाइमा हमारा वो है थिन, और जो स्ट्रेंथ है उसकी वो प्रोवाइड करता है हमें सपोर्ट, और प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम है इसका। कोलेनकाइमा का काम है थिकन अबाउट द कॉर्नर, कॉर्नर से थिकन होता है, और ये क्या करता है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, सपोर्ट मैकेनिकल प्लांट को प्रोवाइड करवा देता है और लेस अबंडेंट है। स्कलेनकाइमा की बात करें तो थिकन सेल अराउंड द सेल प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट, और ये साइटोप्लाज्म जो स्कलेनकाइमा में एब्सेंट होता है। ठीक है, मैनी ऑफ स्टूडेंट डू नोट अबाउट जाइलम एंड फ्लोएम, तो मैं उसके बारे में भी आपको थोड़ा डिस्कशन में बता देती हूँ। जाइलम क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ मेनली डेड एलिमेंट। ओके, और फ्लोएम क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ मेनली लिविंग एलिमेंट। सेकेंड पॉइंट इज जाइलम इट कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स, फ्लोएम इज कंडक्ट ओनली फूड। थर्ड इज प्रोवाइडेड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट, बट फ्लोएम हैव डज नॉट प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट। देन हमने जो हमारा प्लांट का टॉपिक था, प्लांट में टिश्यू डेवलपमेंट था, वो हमने आज कंप्लीट कर लिया है। प्लांट टिश्यू में हमने क्या क्या कवर किया है, प्लांट की स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन, ओरिजिन एंड प्लांट की एनाटोमी ऑफ रूट स्टेम। उसके अलावा हमने लीव्स, मोनोकोट और डाइकोट, रूट में भी हमने दोनों देख लिए हैं, स्टेम में भी मोनोकोट डाइकोट का डिस्कशन यहाँ पे कर लिया है, लीव्स का भी कर लिया है। उसके अलावा हमने मॉर्फोलॉजी एनाटोमी देखी है, उसके अलावा हमने क्या देखा है यहाँ पे डिफरेंस देखा बिटवीन स्केलेनकाइमा, कोलेनकाइमा एंड पेरेनकाइमा, जो सिंपल टिश्यू हमारे। उसके अलावा हमने डिफरेंस आपको मैंने बोल के भी बता दिया है, जो हमारे डाइकोट हैं मोनो जैसे जाइलम एंड फ्लोएम उनमें भी डिफरेंस बता दिया है। एक बार दोबारा बता देती हूँ, जो जाइलम हमारा है वो वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट करता है, और जो फ्लोएम फूड का करता है, और
जो फ्लोएम है उसको हम लिविंग टिश्यू बोलते हैं, और जो जाइलम है वो क्या होता है, हमारा डेड टिश्यू होता है। इनफ्लोरेसेंस देख लिया, फ्लावर और फ्रूट का डेवलपमेंट कैसे होता है ये प्लांट से हमने देख लिया। देन हमने हमारा जो प्लांट टिश्यू है वो टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। तो आपको क्या करना है, अभी आपको इसको रीड करना है, इसको लर्न भी करना है और रिकॉलिंग भी करनी है। आपने जो आज पढ़ा है उसी को आपको रिकॉलिंग करना है, जिससे आपके माइंड में सेट हो सके और आप भूलो नहीं। ठीक है, आपकी भूलने वाली जो बीमारी है वो यहाँ पे नहीं होगी, क्योंकि आपने डायग्राम से पढ़ा है तो क्लियर हो गया आपको। उसके अलावा आप थोड़ा रिविजन कर लीजिए, जो हमेशा के लिए आप नहीं बोलो। और आपको क्या करना है, अभी जो आपने ये जो सब कुछ नोट्स बना रहे होंगे, या साथ के साथ अगर नोट्स भी नहीं बना रहे तो आपको ये वीडियो एक्चुअली देखना ज़रूर चाहिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। इसमें आपको कोई भी पे करने की ज़रूरत नहीं है, ये जो कोर्स हमारा फ्री है और फ्री ही रहेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि भाई हमें पैसे देने पड़ेंगे ये सब है, तो ये ऐसा कुछ नहीं है। आपको बस पढ़ना है और रिकॉलिंग करनी है, और एक काम आपको यहाँ पे करना है, रिविजन करना, रिकॉलिंग करनी है, और वीडियो को लाइक भी करना, शेयर करना। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, जिससे नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम पता लगे कौन सा वीडियो आ रहा है, आज क्या टॉपिक होने वाला है, क्या नहीं होने वाला। ये डेली के 1 या 2 वीडियो हैं वो आप यहाँ पे अपलोड होने जा रहे हैं, तो आपको इनको रिमूव नहीं करना, स्किप भी नहीं करना, आपको इनको देखना ज़रूर है। आपके लिए ज़्यादा ही हेल्पफुल रहने वाले ये वीडियो हैं। देन हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।